गुड मॉर्निंग एवरीवन। से हाय हाय कर लो, हाय कर लो। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हम हैं कहाँ? कहाँ है बाबू? बाबू बुआ एक साथ नए घर में हैं। हाँ जी, और आज है हमारे भतीजे की मुंडन के बाद जो सबको खिलाया पिलाया जाता है, ये है अभी 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 है हमारे साथ। बहुत ज्यादा ठंडी है, नहीं समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा ठंडी है यहाँ। तो हम भैया को पकड़े हुए हैं, बाकी आप खटपीट समझ ही पा रहे हो। आज काम है खूब ज्यादा, गांव वालों को खिलाया जाना है। तो हमने सोचा हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए अपना ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉगिंग तो करनी ही है। कुछ खास रीजन होता है जब मैं कैमरा उठाती हूँ। तो आज प्रोग्राम है हमारे यहाँ भतीजे के मुंडन के बाद। यहाँ पर देखो, इन्होंने काजल अपने फिंगर से यहाँ पर लगा लिया है ताकि इनको नजर न लगे, नजर न लगे। अबुआ बोलो, अबुआ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो। अच्छा मुंह पकड़ रहा है मेरा। ये देखो अभी, ये छोटा बेबी कौन है? ओ सुला रहे हो मुझे? बहुत ठंडी लग रही है ना, बहुत ठंडी है यार, बहुत ज्यादा है। देखो ओ बहुत ठंडी है, क्या किया जाए अभी? अभी क्या किया जाए? ये अभी की मम्मी का रूम है, मेरी भाभी का, यानी यूपी ब्लॉगर आराध्या का। अभी कुछ है नहीं इसमें, अभी इस रूम को मैं सजाने वाली हूँ। होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लास्टर पेंट अभी नहीं होने वाला है, मई में होगा। हाँ जी मई में होगा, जून में हमारे यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अभी से मैं बता दे रही हूँ, आप अगर हमारे वीडियोस देखते होंगे तो हम आपको ना 2-3 महीने पहले ही बता देते हैं। अभी का मुंडन है तो मैंने नवंबर में, जब हमारे ससुराल आए थे तो हमने आप लोगों के साथ बता दिया था उसी वीडियो में। बस हमने टाइटल नहीं डाला था, हमने बोला था हमारे मायके में है। और कुछ लोग, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बोला, कि सब बोल रहे थे कि अभी का मुंडन तो है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं सब। अभी आपके बाल किधर गए? ओ ये देखो कौन है, अब बोल रहा है बुआ। बुआ बात मत करो। ठीक है, नहीं बात करती हूँ, चलो मैं आप लोगों से कुछ देर बाद बात करती हूँ। बाय बाय कर लो, बाय। ये देखो 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 देखो, कब आओगे? बैठ लो इसे, चलो। मामा हाँ मामा चलो है आपके साथ में, चल जाओ। नहीं आओ, आज घर पे प्रोग्राम है ना बेटू। घर पे प्रोग्राम क्या है? आओ बताते हैं। बताओ। मैं सी यू। सी यू कह रहा है? अरे बाय टाटा। क्या बोल रही थी? सुबह के बज रहे हैं 11:30, दीप जा रहे हैं कि हाँ हमें हमारे भतीजे की मुंडन में क्या मिला हुआ है। नेक बुआ को नेक मिलता है ना, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन तो अभी आप देख सकते हो सोहर होने वाला है मुंडन के बाद। तो सब गांव की औरतें आ रही हैं, धीरे धीरे इकट्ठा हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर ना सोहर लगा दूंगी, आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगता है, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। चुमा
गाबे वहाँ बाहर सब सोहर गा रहे थे और इधर तैयारी हो रही थी खिलाने की, कुकिंग की। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के सब्जी काट रहे हैं। भाई यहाँ पर राहुल गोभी काट रहा है, हम लोग आलू छील रहे हैं। बाकी सारा काम जो होगा हम आपको दिखाएंगे ही। तो अच्छा, आज ना यहाँ पर हमारे यहाँ घर के ही लोग बना रहे हैं, जैसे पापा, चाचा, दादू, गाँव के घर के लोग मिल के बना रहे हैं। तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाएँगे। पूरी क्लिप तो हमने नहीं रिकॉर्ड की हुई है। ये देखिए, यहाँ पर हम सब बहन भाई मिलके सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब परिवार में ऐसा कुछ होता है फंक्शन। तो ये देखो, ये राहुल है, गोभी काट रहा है। अच्छा, आपने आराध्या के चैनल को सब्सक्राइब करा कि नहीं? यूपी ब्लॉगर आराध्या उनके चैनल का नाम है। मेक श्योर सब्सक्राइब करें। हमारे भतीजे का बर्थडे भी आ रहा है, 14 तारीख को है। तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर सब लोग कुकिंग कर रहे हैं मिलजुल के। तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, लेकिन देख रहे हो ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया। नीचे सब लोग काम कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पे। काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है यार। जुकाम नहीं है बट फिर भी कर रहे हैं। और मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है। जो आप पिंक क्लिप देख रहे हो ना, मैंने एक लिप बाम लगाया हुआ है, कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है। ये है आलिया, मेबलिन में से आलिया, जो लिमिटेड एडिशन नहीं है, आलिया वाला वही है।
तो मैं थोड़ा सा फिर से लगा लूँ, क्योंकि अभी कलर रह गया, मॉइस्चर चला गया है। कई बार लगाना पड़ता है तो पता नहीं। अभी मुझे लग रहा है मेरे सिर में काफ़ी पेन हो रहा है शोर शराबा सुन के। मैंने लगा लिया लिप बाम और मेरे वीडियोस काफ़ी लेट जाएंगे, शायद 10 दिन लेट जाएं। आराध्या के वीडियोस पहले जाएंगे। मेरे वीडियो इतने लेट क्यों जाएंगे, क्योंकि मुझे 4-5 दिन यहाँ रहना है और यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, और आराध्या का जो सिम है उसमें नेटवर्क रहता है, मेरे में नहीं रहता। उनका शायद वोडाफोन है, मेरा एयरटेल है, तो एयरटेल का बिल्कुल भी यहाँ पर, पहले यहाँ पर एयरटेल का इतना अच्छा नेटवर्क रहता था, अभी बिल्कुल भी नहीं रहता है। कब से मैंने वीडियो पोस्टिंग पे लगा हुआ है तभी से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन हुआ ही नहीं। 25 MB भी हुआ है, बाकी 600 कुछ MB बचा हुआ है, 700 MB का था वीडियो। तो सोच लीजिए, तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि जब मैं घर पहुँच जाऊँ तभी आप सभी से बात करूँगी, ये वीडियो अपलोड करूँगी। और अभी मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, एंड नहीं, क्या मैं बोल रही हूँ, अभी मैं आप लोगों से कुछ देर बाद बात करती हूँ। आज मैंने ट्रैक सूट डाला हुआ है, इसको आप लोगों ने देखा हुआ था जब हम गए थे वहाँ बुंदेलखंड, हाँ जी वहाँ हमने पहना हुआ था। तो अभी मिलते हैं आप सभी से, अभी मैं हूँ मेरे घर के नए छत पे, जो हमारा नया वाला छत बना हुआ है वहाँ। यहाँ से पीछे से पूरा गांव दिखता है हमारा, तो होम टूर हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आराध्या ने शेयर किया हुआ, लेकिन उन्होंने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था सब कुछ, बच्चों ने किया होगा, और हमारा हम खुद से करेंगे तो आपको दिखाएंगे। हमारा घर बन के कम्प्लीट हो गया, पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हो जाएगा ये भी। तो चलो मिलते हूँ आप सभी से कुछ देर बाद, बाय। सो फैमिली, आज है फ्राइडे, सॉरी आज शनिवार है, 30 जनवरी। आज आई थिंक बाबू का मुंडन किस दिन था, 25 को था, उसके 26 को हमारे यहाँ प्रोग्राम था। तब से हमने कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि प्रत्युष की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आप देखेंगे कि अभी जो मेरा ब्लॉग जा रहा है, इसके एक दो दिन, चार दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था मेरे चैनल पे, जबकि मैं वहाँ से आते टाइम, लखनऊ से आते टाइम 2 ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया था, प्राइवेट में सेव था। बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ करने का मन नहीं होता है। अभी प्रत्युष ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। बाबू इधर आ जा, ये देखो ये हैं, अभी अभी थोड़ा सा ठीक है। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं ब्लॉग कंप्लीट कर लूं। क्या हो गया था बाबू आपको? बुखार हुआ था। बुखार हुआ था, डॉक्टर को क्या बताया था आपने? सर और नाक दर्द कर रहा था। डॉक्टर ने पूछा, मुझसे पूछा, उनको लगा कि ये बता नहीं पाएगा, तो बोला क्या हुआ है इन्हें, तो मुझे बोलने से पहले बोल रहे हैं बुखार हुआ है, सिर दर्द हो रहा है, नाक दर्द हो रहा है, तो इनको दवा दे दिए। और बाकी वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे, तो उनको इंजेक्शन लग रहा था, तो बोले मम्मा तो मुझे सिर्फ दवा दे दिए, इंजेक्शन नहीं लगाए। तो मैंने बोला कि बेटा आपने अच्छा काम किया ना, मुझसे पहले आपने बता दिया, इसीलिए डॉक्टर खुश हो गए आपसे। तो आपके सबको वही घर पे बता रहा था, डॉक्टर हमसे खुश हो गए, इतनी तबीयत खराब थी इसकी, लेकिन फिर भी मुझे परेशान देख के किस करने लगता, मम्मा मैं ठीक हूँ, इतना छोटा है लेकिन इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको पता है मम्मा परेशान हो जाती है तो मम्मा को हंसाने के लिए कुछ भी कर जाता है। तो यही था, इसलिए मैं कैमरा नहीं उठा रही थी। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करा कि नहीं, एक टाइम ऐसा था जब मैं आई थिंक इतने साल की मैं हो गई, अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं जब से घर पे आई हूँ, रूम से बाहर तो मैं निकल नहीं रही हूँ, और मैंने सूट वगैरह नहीं डाला, ना तो साड़ी ना तो सूट, सिर्फ मैं जींस टॉप पहन के ही टहल रही हूँ, बाहर नहीं जा रही हूँ। हाँ फर्स्ट वाला तो आपने देख ही लिया, हम आए के आए सब पहली बार ऐसा जींस टॉप पहन के, तो रात में आए थे। इसके बाद चाची भी देखी करी है, मतलब चाची मेरी जो है वो काफ़ी स्वीट है, हमेशा अपने ब्लॉग में एक ही चाची की जिक्र करती हूँ, काफ़ी सारे बोलते हैं और तुम्हारी तीन चाची हैं, लेकिन हमारी और छोटी चाची के साथ ज़्यादा बनती है, तो उन्हीं का जिक्र हम करते हैं। बनने का मतलब यही है कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का एंड करूँ, आज धूप हुई है तो आज हम चलेंगे घर के बाहर, खेत में काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी हरियाली हैं, तो आपको दिखाएँगे। पापा आलू आलूया कहिए खुद ही जलवा
अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में पापा जब करेंगे तो, क्योंकि हमें कल चले जाना है। दीप भी नहीं है, दीप भी लखनऊ जा चुके हैं, लेकिन हाँ कल संडे है तो आज शाम तक वो आ जाएंगे, तो फिर हम लोग निकल जाएंगे कल। तो इसको लग रहा है कि अभी हम दादू के घर चलेंगे लेकिन इस बार ऐसा नहीं, क्योंकि बाबू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी आज ही थोड़ा सा आराम हुआ है। बीच में जब छुट्टी मिलेगी उनको तो हम आ जाएंगे। हम इस टाइम अपने चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आई नो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शायद आप लोग ना समझ पाओ, हम समझाएं तो भी ना समझ पाओ, लेकिन हमारे लिए बाबू सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप लोग मायने रखते हो, लेकिन जब सब ठीक रहता है ना तो हर कुछ करने का मन करता है, जो भी मन करे सब कर लेने का मन करता है, लेकिन जब बच्चा ठीक ना हो तो कुछ करने का मन नहीं करता। सो भी मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, आप लोग प्रे कीजिएगा बाबू ऐसे ही ठीक रहे, अच्छा रहे, तो हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय।